हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेस की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन की। 10 वीडियो लेके आऊंगा इस सीरीज के अंदर में। हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टोटल 100 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। और आने वाली हर एक वीडियो में हम थोड़े थोड़े हार्डर इंटरव्यू क्वेश्चन पुट करते जाएंगे और लास्ट वाली वीडियो में आपको सबसे हार्डेस्ट रिएक्ट जेस के इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे और आप कंप्लीटली रेडी हो जाओगे एक इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोग होस्टिंग परचेज करने का या फिर डोमेन परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप परचेज करो डोमेन रेसर से। या आप देख सकते हो केवल 59 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग मिल जाती है और डोमेन नेम भी काफी सही है इनका, इजिली काफी लो प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं इनका, एक फ्री वेबसाइट बिल्डर होता है। लेट्स से कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कोड की, तो आप लोग इनका जो फ्री वेबसाइट बिल्डर टूल है ना, इससे वेबसाइट भी बना सकते हो। और होस्टिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, कस्टमर जो केयर है इनका काफ़ी हेल्प करता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो ये बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन दे देते हैं। अच्छा, परचेज क्यों करनी है होस्टिंग, इसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो एक आप वेबसाइट बना सकते हो रिएक्ट में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, और जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ ये मैंने वेबसाइट बना रखी है। तो उनको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इन्होंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, इनको नॉलेज है वेबसाइट वगैरह की, राइट। सो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिएक्ट जेएस है क्या। देखो, रिएक्ट जेएस कोई फ्रेमवर्क नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये यूज क्यों करते हैं और हम क्यों ना यूज करें, बिकॉज इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू एंगुलर और व्यू से भी। इसको डेवलप करा है फेसबुक ने और जो करंट वर्जन अभी है 17.0.1, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से इसका वर्जन चेक कर लेना, राइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। 17 यानी कि जो फर्स्ट वाले ना, ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। लास्ट वाले दो जो माइनर वर्जन होते हैं इनको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेसिक क्वेश्चन है, आने वाली वीडियोज के अंदर थोड़े और हार्डर क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एक वीडियो में आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना रिएक्ट जेएस आता है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आता है कि कंपोनेंट क्या होता है। देखो, कंपोनेंट एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन बना दिया कोई भी, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट भी ऐसे सेम ही होता है, बट ये थोड़ा सा पावरफुल इसलिए होता है कि इसके अंदर हमारा जस्ट एक आउटपुट नहीं आता, इसके अंदर हमारा HTML, फंक्शंस, API कॉलिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कि हेडर हो गया, हेडर को एक फंक्शन नहीं बना सकते हम, एक पूरा कंपोनेंट बना सकते हैं। दो तरीके के होते हैं, क्लास और फंक्शनल। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्लास कंपोनेंट दैट हैव ECMAScript 6 क्लासेस। देखो, वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, सब कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। बट जो ECMAScript 6 आई थी उसके अंदर क्लास का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। तो जिस कंपोनेंट के अंदर ECMAScript 6 की क्लास यूज होती है उनको हम बेसिकली क्लास कंपोनेंट कहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ यूज करना पड़ता है। जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो बाइंड वगैरह करना पड़ता है या फिर एरो फंक्शन यूज करना जरूरी होता है। और ये थोड़े से पावरफुल भी होते हैं एज कंपेयर टू फंक्शनल कंपोनेंट, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट काफी बेसिक होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक रीजन चीज ये भी होती है कि आप लाइफ साइकिल मेथड स्टेट वगैरह डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको हुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये आप समझा सकते हो कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। इनके अंदर ECMAScript की क्लासेस नहीं होती, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं। और ये आपको मैं आपको बताऊं तो काफी सिंपल होते हैं, इस वजह से इसके अंदर स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हो आप, उनको यूज करने के लिए आपको हुक्स इसमें यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, ये सिंपल होते हैं तो जब भी आपको कोई छोटा कंपोनेंट बनाना हो तो आप फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करते हो और ये रिकमेंडेड भी करती है। इवन रिएक्ट जेएस खुद रिकमेंड करता है कि अगर आप लोग सिंपल फंक्शंस वगैरह बना रहे हो, सिंपल कंपोनेंट बना रहे हो, तो आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हो। बेसिक लेवल पे इतना बता दोगे तो इंटरव्यू वाला समझ जाएगा कि हाँ आपको इसके बारे में काफी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेट जैसे कि वेरिएबल होता है ना, उसी तरीके से होता है, लेकिन वेरिएबल से अलग कैसे होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं, लेट्स से कि आपने नेम या फिर कोई भी डाटा, ऑब्जेक्ट, एरे जो आपको होल्ड करना है, जो इसमें स्टोर करना है, वो स्टोर कर सकते हो। अच्छा, तो फिर हम वेरिएबल ही क्यों ना ले लें। देखो, जब हम वेरिएबल लेते हैं तो उसके बाद में कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता, बट स्टेट जब भी हमारी अपडेट होगी, जब इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा, राइट। एक चीज और आप ये भी बताना उनको कि जो स्टेट है इसको आप लोग कंपोनेंट के बाहर यूज नहीं कर सकते, कंपोनेंट के अंदर ही यूज करना है आपको। और ये बेसिकली पूछ भी रहता है कि क्या एक कंपोनेंट की स्टेट को कहीं और यूज कर सकते हो, आपको बोलना है नहीं, नहीं कर सकते। उसके बाद में प्रोप्स आता है। प्रोप्स क्या होता है, देखो ये बेसिकली यूज में होता है दो कंपोनेंट के बीच में जब डाटा ट्रांसफर करना होता है, तब दो या फिर दो से ज्यादा भी कह सकते हो, राइट। एक के अंदर ही डाटा रखना है तो हम लोग स्टेट यूज करते हैं, जब एक कंपोनेंट से बाहर डाटा लेके जाना होता है तो हम यूज करते हैं प्रोप्स।
और इससे हम कहाँ कहाँ डाटा सेंड कर सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड में कर सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट में कर सकते हैं, और सिबलिंग्स यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं। जिस कंपोनेंट के अंदर आप प्रोप्स रिसीव करोगे उसके अंदर आप प्रोप्स को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। जहां से सेंड कर रहे हो वहां से दूसरे तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, जहां पे रिसीव कर रहे हो वहां से प्रोप्स अपडेट नहीं होते। ऑलराइट, उसके बाद में लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जब हमारे कंपोनेंट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ना तब वो कॉल होते हैं, जैसे कि हमारा कंपोनेंट लोड होता है या फिर माउंट होता है, अपडेट होता है या फिर अनमाउंट यानी कि रिमूव होता है, तब वो कॉल होते हैं। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, इसे कंपोनेंट डिड अप माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड शुड कंपोनेंट अपडेट, ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा आप, बिकॉज इनके ऊपर भी इंटर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में आते हैं कि हुक्स क्या होते हैं। देखो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट लाइफ साइकिल मेथड जैसी चीज यूज नहीं कर सकते हैं, उनको यूज करने के लिए हमें हुक्स यूज करने पड़ते हैं, और ये काफी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि इनको सीखने के लिए कुछ ज्यादा सीखना पड़ता है, नहीं, ये नॉर्मल ही होते हैं, जस्ट हमें प्रॉपर्टी को इंपोर्ट करना होता है और इनको यूज कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको मैं बता देता हूं कि क्लास कंपोनेंट के अंदर आप ये यूज नहीं कर सकते हो, बस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही आप लोग हुक्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आपसे यू पूछ लिया जा सकता है कि यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट एक हुक होता है, कोई भी हुक होगा ना उसके स्टार्टिंग में आपको यूज मिलेगा इस तरीके से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, यहाँ पे यूज इफेक्ट, दैट मीन्स ये भी एक हुक है। ऑलराइट, सो ये हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो के अंदर। इसका एग्जाम्पल ये है, जब आपको स्टेट डिफाइन करनी हो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो इसको यूज करोगे इस तरीके से, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पे डेटा और सेट डेटा, इसके अंदर से एरे को डिस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से। राइट, इनके ऊपर अगर आपको डिटेल में देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर अराउंड अराउंड 100 वीडियोस हैं, अभी तो 80 वीडियोस हैं, बट और भी वीडियोस आएंगी शायद, जब आप देख रहे हो तो मैंने सारी सारी वीडियोस अपडेट कर दी हूं, तो वहां से सारे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे डिटेल में। फिर आता है कि यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज में आता है, ये लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ना, इसकी हेल्प से हम वो यूज कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। और यहां पे देखिए ये है इसका एग्जांपल। राइट, सो ये थे 10 क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और बाद में एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये 10 के 10 वीडियो कंबाइंड होंगी, वो भी शायद 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो सारी वीडियोस वहां क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, और क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर किसी का आपको आंसर चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।